त्रिपुरा की जो एक्सपीरियंस है बहुत मस्त रहा है एक्सपीरियंस। ये भी दे दिए, नहा वहा बढ़िया फ्रेश हो जाओ, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद भैया। अरे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा के हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और आप सभी जने को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 8 बज रहे हैं और अभी भी कोहरा है, और रात में रुके थे इस जगह में, धर्मनगर में है, और ये है सामने रेलवे स्टेशन। तो मैं फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन में रुका हूँ, यहीं पे आके हम लोग टेंट लगाए। और सिटी में दिक्कत ये होता है ना, रुकने का कहीं पे जगह नहीं मिलता है, मतलब बहुत लोग आते जाते हैं और पेट्रोल पंप में भी लोग मना करते हैं। तो हम दो पेट्रोल पंप में गए, वहाँ पे मना कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे टेंट लगाए। बड़ा मस्त है यार, रात में सुकून के नींद सो पाए, मज़ा आया, कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया। रेलवे स्टेशन बढ़िया सेफ होता है, और ये धर्मनगर रेलवे स्टेशन है। और रात में तो बहुत गाड़ी वाड़ी था, अभी कोई भी नहीं है, लेकिन अभी भी कोहरा ही कोहरा है इधर पे, देख रहे हो ना, पूरा चारों ओर कोहरा कोहरा। और आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार छेरछेरा के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग बढ़िया घर में छेरछेरा पुनी मनाओ बढ़िया से मस्त, और सब में घर में सब जन घर घर जाओ, धान मांगो, सब जन छेरछेरा मनाओ बढ़िया। मैं भी गांव तरफ रहा हूँ तो बड़ा मस्त लगे छेरछेरा, बचपन में बहुत गेहूँ मैं छेरछेरा मांगे बा, धान मांगे बा घर घर में। हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार है, होकर के तो हार्दिक हार्दिक आप सब जन का बधाई। तो बाकी आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, आसाम में एंटर कर लेंगे आज हम लोग। तो अभी निकलेंगे यहाँ से और आज जाएंगे हम लोग करीमगंज से आगे, समथिंग 92 किलोमीटर जाना है हमें, 92 या 95, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कितना जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग निकलते हैं यहाँ। तो बाकी इस सिटी से निकल रहे हैं, धर्मनगर सिटी से हम लोग उस दिन इसी तरफ से आए थे और इसी तरफ से निकल रहे हैं। और इधर पर चुनाव का माहौल है ना, तो हर तरफ इधर भाजपा का झंडा देख रहे होंगे लगा हुआ है, ठीक है। और एक कार्यालय है, जिला कार्यालय इधर बगल में है वो। और ए ब्रेकर बहुत बड़ा है रे बाबा। बाकी सिटी से बाहर निकलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी को सिटी के बाहर में। से बाहर आ गए और अभी धर्मनगर सिटी से बाहर आके अभी एक और दुकान में आए हैं, होटल में नाश्ता करने के लिए, पराठा और आमलेट खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत लग रहा है। शरीर में ना प्रोटीन के बहुत कमी हो गया है, देख रहे हो शकल सूरत कैसा हो गया है, तो प्रोटीन जरूरी है, इस वजह से आजकल अंडा वंडा खा रहे हैं रे बाबा। ऐसे पैसा नहीं है तब से भी मैनेज करके खा रहे हैं। अब चलते हैं खाना वाना या सॉरी यहाँ नाश्ता वास्ता करने के बाद निकलेंगे। अब बीच में आज देखेंगे हम लोग भी ना पिकनिक मनाएंगे बीच में, आज बहुत जाते जाते देखना बहुत पिकनिक मनाते हैं, हम लोग भी 1-2 बजे रुक के ना पिकनिक मनाएंगे बढ़िया मस्त, दाल चावल बनाएंगे पिकनिक में हम मस्त। बाकी जी नाश्ता करके तो निकल गए और अभी इस वक्त टाइम हो गए हैं 11:20 और धूप निकल गया और अच्छा से धूप नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा बहुत लग ही रहा है धूप, अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, लेकिन जो कोहरा था वो पूरा हट गया है। और देखो ये होंडा मोटर्स, होंडा का गाड़ी, पल्सर है NS 200। और ये झंडा भाई त्रिपुरा के हर गली चौराहा में लगा है यार, इधर भाजपा का झंडा खतरनाक। और पूरा अभी गांव एरिया होते जा रहे हैं, कुछ देर बाद अब फिर असम लगने वाला है, असम बॉर्डर आ जाएगा। जी अभी हम लोग त्रिपुरा से निकल के असम में जाने वाले हैं, लास्ट चेक पोस्ट है, इधर ही से आए थे उस दिन रात में। लेकिन अरे सर, तो उस दिन रात में दिखाई नहीं थे, ये बॉर्डर है लास्ट। और यहाँ पे देखो आगे में लिखा है सिलचर 102 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो बोर्ड के उस पार लग जाएगा असम। तो हम आ गए फिर से असम में और आप सभी जाने को गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी इस वक्त हो गए हैं 12:10। हम आ गए फिर से असम की धरती में, पहले हम त्रिपुरा में घूम रहे थे, फिर आ गए असम में।
सामने देख रहे हो पूरा रबर का पेड़, रबर का प्लाट है इधर। फिर से हमें रबर का नज़ारा मतलब वो देखने को मिल रहा है पेड़। त्रिपुरा में भी था और इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा, सिलचर करीमगंज इस एरिया में बहुत ज़्यादा रबर का खेती करते हैं। और पूरा प्लाट ही रबर का इधर, और इधर रोड भी ठीक है। अभी आगे ये है हाईवे, इधर से हम आए रहते लेकिन हम लोग ये मेन इधर से गए हैं। ये है मेन हाईवे सिलचर वाला, इस साइड से हम लोग शॉर्टकट आए हैं गांव वाले गली से होते हुए। और रोड भी ठीक था, अगर उस रोड पे जाते तो रोड बहुत ख़राब मिलता। अरे अरे बाबा, ऐसे हाईवे में बड़ा दिक्कत है, आगे से कोई भी इधर उधर से काट देता है, बताओ बहुत गाड़ी चलता है इसमें। हाँ पीछे है, हमारा एक फैन भी है पीछे, मतलब हमारा फैमिली मेंबर। तो बाकी जी गुड आफ्टरनून आप सभी जाने को। इस वक्त हम आसाम में है और आसाम में एक ढाबा में है, और आज मैं नहाया हूँ और वहाँ पे ना कपड़ा वपड़ा धो के सुखा दिया हूँ। और ये हमें भैया मिले अभी आते आते। भैया आपका नाम? उत्पल सिन्हा। उत्पल सिन्हा, सिन्हा हो आप? क्या बात है सिन्हा, हमारे बहुत अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं सिन्हा। मेरा एक बहुत मित्र साथ में क्लासमेट है भोजेंद्र सिन्हा करके, मेरा दोस्त है। तो भैया सिन्हा जी भैया मिले हैं, और भैया हमें 1 किलोमीटर दूर से अपने ढाबा में लेके आए यहाँ पे। और भैया आपका ढाबा का नाम? US बार एंड रेस्टोरेंट। हाँ तो आप लोग सुने हो गाइस, इस रोड में आओगे ना, ये रोड का एपीजे अब्दुल कलाम रोड। अच्छा अरकंदी बाईपास है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के रोड पे। अच्छा अच्छा, उसी रोड पे ये भैया का एक रेस्टोरेंट है बहुत सुंदर सा, यहाँ पे भैया लाए हैं। तो आओगे ना तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करना, आना खाना। और अभी भैया हमें खाने के लिए इनवाइट किए हैं, तो नहाने के लिए भी दे दिए, नहा वहाँ बढ़िया फ्रेश हो जाओ, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद भैया। अरे बाकी अभी खाना वाना खाते हैं गाइस, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अब नहा के बड़ा मस्त लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, अब 2-3 दिन और नहीं नहाएंगे। ठंडी इतना था ना भाई, पूछो मत उधर पे। अब इधर मेघालय में जा रहे हैं, वहाँ तो और ठंडी है। तो बाकी अब खाना वाना खाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो बाकी गाइस हम लोग का आ गया खाना, ये है रोटी और ये है चना आलू की सब्जी, और खाते हैं। और ये ढाबा है, मस्त हवा भी चल रहा है बढ़िया, और हम लोग चार्जिंग चगा दिए। और मेरे साथ में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये हो गया है, जो मेरा पावर बैंक है वो ख़राब हो गया है, तो मेरे को अभी आगे जाते जाते एक पावर बैंक लेना पड़ेगा। अगर बिना पावर बैंक रहूँगा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा ऐसा जगह रुकते हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं रहता है, तो दिक्कत ये है। तो अभी जाते आगे जाते जाते लेंगे एक पावर बैंक, तो उसके लिए हमें मनी का ज़रूरत है। तो मनी के लिए हम देखते हैं कहाँ से मनी एडजस्टमेंट होता है, तो क्योंकि हमारे पास अभी बजट नहीं है, खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है गाइस, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन लेंगे ज़रूर। फिर खाते हैं उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से। कि गाइस हम लोग निकल गए दादा के ढाबा से, और दादा ने बहुत अच्छा से खाना वाना खिला दिया हमें अभी। और बहुत कम होते हैं यार ऐसे लोग मिलते हैं अपने से, और अपने खुद का वो उसका खुद का रेस्टोरेंट है, वहाँ लेके खाना खिलाया बढ़िया। और रुकने के भी बोल रहा था, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है क्योंकि अभी शाम हुआ नहीं है। यहाँ से करीमगंज की जो दूरी है 30 किलोमीटर है, तो जा सकते हैं। और मेरे को आगे में पावर बैंक भी लेना है, पावर बैंक ख़राब हो गया है, टूट गया पावर बैंक। और उस दिन आए थे तो इस वाले रोड से आए थे, और अभी हम ये बाईपास वाला रोड है इसमें जा रहे हैं, बाईपास में। बहुत अरे दुख हो रहा है कि पावर बैंक का नुकसान हो गया, क्योंकि अभी उतना बजट है नहीं, लेकिन अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना यार, वरना दिक्कत हो जाएगा बहुत बड़ा मेरा, क्योंकि बिना पावर बैंक के बहुत मुश्किल है अगर राइड में जाना। साइकिलिंग अगर कोई कर रहे हो गाइस, अगर करना चाहते हो तो पावर बैंक 2-3 ले के रखो। अभी मैं 20,000 mAh का लूँगा सोच रहा हूँ, उसका प्राइस है 2,000 रुपये। अब वो 2,000 मेरे को कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। बाकी चलो निकलते हैं, देखा जाएगा आगे में। तो बाकी गाइस जो त्रिपुरा की जो एक्सपीरियंस है बहुत मस्त रहा है एक्सपीरियंस, क्या बताएं, वहाँ बहुत सारे चीज़ को देखे हम लोग, और वहाँ का कल्चर, मतलब एक चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में ना कल्चर, मतलब जो नागालैंड मणिपुर मिजोरम हो गया या त्रिपुरा हो गया, उनका थोड़ा कल्चर सेम ही है जो ट्राइबल लोग हैं उनका। और बहुत सारे पर्यटन स्थल है,
उसमें से सब जगह तो जा नहीं पाए लेकिन दो तीन जगह गए हम लोग, मज़ा आया। आप देखे हो गए उन्नाव कोटी, माता बारी और वहाँ का राजाबाड़ा वो बोलते हैं, जहाँ पे उन त्रिपुरा का इतिहास है और नॉर्थ ईस्ट का भी इतिहास वहाँ दर्शाया गया है। और वो सब चीज़ देखे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग भी कल हम लोग नया राज्य में एंटर कर लेंगे, हमारे भारत भ्रमण का 25वां राज्य मेघालय में जा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं आगे पे आपको। थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग आप सभी जने को। इस वक्त टाइम हो गया 4 और सूर्यदेव भी देखो डूबने कगार में है। और अभी बीच में देखे होगे फोटो वोटो खींच रहे थे भैया लोग, वो लोग रोक लिए थे, चाय वाय पिलाए, बात किए। अभी फिर निकल गए हम। और अभी आगे जाते जाते हमें लेना है अभी पावर बैंक, तो वहीं पे जा रहे हैं MI स्टोर में, वहीं लेंगे पावर बैंक और एक चार्जर, क्योंकि चार्जर भी नहीं है मेरे पास में। ठीक है, बहुत दिनों के बाद एक झूला देखने को मिल रहा है, देख रहा हूँ मेला वेला लगा है यहाँ पे मस्त। देखो आकाश झूलना हो गया, उसके बाद चक्री हो गया और ट्रेन भी है। अरे बाबा, एक किस चीज़ का मेला है भगवान जाने, हमें तो पता नहीं। नया साल के उपलक्ष्य में, अरे रुक जा भाई, हेलो 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 बोल रहा है, हेलो चेक हेलो भाई साहब। तो आगे से हमें चलना है करीमगंज। आगे गए, इस वक्त टाइम 5:30 बज गए हैं, अंधेरा होने वाला हो ही गया है। और यार हमें दिक्कतें हो रहा है, हमें पावर बैंक मिला नहीं, मेरा पावर बैंक का ख़त्म ख़राब हो गया, कहीं पे मोबाइल दुकान मिल नहीं रहा है। पावर बैंक मिल रहा है लेकिन वो लोकल वाला है, हमें चाहिए MI का। और दिक्कत और हो रहा है कि अभी यहाँ हमें रुकने का जगह नहीं मिल रहा है कहीं, ठीक है। इस वजह से पेट्रोल पंप भी आसपास में नहीं है कि वहाँ रुक सके। अब देखते हैं कहीं जगह ऐसी दुकान वकान सामने में लगा लेंगे, टेंट और सो जाएंगे वहीं पे। मॉर्निंग कल सुबह में देखेंगे पावर बैंक और सब। फाइनली गाइज, हमें HP का पेट्रोल पंप मिल गया है और हम लोग लगा लिए हैं यहाँ पे टेंट। मेरा टेंट है उधर पे, अजीत का टेंट है और हम लोग का हम सफर है उस साइड में है, रखे हुए हैं बढ़िया से। और आज मौसम थोड़ा सा चेंज लग रहा है, अभी तो ऐसा देख रहे हो सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे इतना कोहरा, ऐसा ही कोहरा कोहरा रहेगा। तो बाकी अब है इस वीडियो को एंड करने का बारी और हम भी सोने जा रहे हैं। और आप सभी भी क्या करना है आप देखो वीडियो को, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से बता दे करीमगंज पहुँचे नहीं है, यहाँ से करीमगंज की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। तो कल करीमगंज होते होते कहाँ जाएंगे वो आपको कल ही बताएंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार।